मैं उनको कंपटीशन समान नहीं देखता था, मेरे दोस्त यार थे पर हम लोग एक गेम खेल रहे हैं यार, तो वो एक बहुत एकदम दोस्ती लेवल पर आकर आपको नीचे उतर के कि दी रोहित शेट्टी के लेवल से नीचे आकर आपसे आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाकर वो यू नो वो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। ये कुछ जर्नी आप शब्दों में डालने वाली जर्नी नहीं है, तभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊँ, बट इट्स जस्ट लाइफ चेंजिंग। मुझे नहीं पता था कि शो इतना महान है और इतना बड़ा है और आपको एक्सपोजर के साथ साथ आपको ऐसे इंसान बदल के रख देगा। ये तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव आए मेरे अंदर, बहुत सारे सबकॉन्शियस चीज़ें जो आपको फियर्स थे, बहुत सारी ईगो बोल लो जो भी बोल लो, कि वो सब पूरा साफ करके इस लाइक रिट्रीट किया, आप एक बहुत बड़े आश्रम से लौटते हो ऐसी फीलिंग है। सो यू नो आपका रूटीन सॉर्टेड होता है, आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हो, आपका क्रू और यूनिट आपके साथ में नहीं होता, तो ये सब एक्चुअली मैं आप यू आई फील वेरी लाइटर नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हल्का बन के वापस आया हूँ और मेरी सोच बहुत बहुत क्लियर हो गई है और मैं अभी अब अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता, पहले भी नहीं करता था लेकिन अभी और ज़्यादा क्लियर हूँ अपनी सोच में। सो जर्नी ओवरऑल बोलना मेरे ख्याल से 2-3 साल लगेंगे उसको सम अप करने में कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए, क्या क्या आप महसूस कर वहाँ से और लौटे हो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टंट, इट्स अबाउट एवरीथिंग एल्स, इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट अ डिफरेंट सिटी, इट्स अबाउट केप टाउन, इट्स अबाउट केप टाउन ऑल द वे। सो दुनिया ठीक ठाक घूमी है मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि मैं केप टाउन को सबसे ऊपर रखूँगा। केप टाउन की मेमोरी मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एक टैटू बनाया केप टाउन का। सो ये टेबल माउंटेन है एंड आई फेल सो मच, इफ़ यू कैन सी दिस, यू नो ये अभी हील हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा पील हो रहा है। सो टैटू को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता था, बहुत बात करता था लोगों से कि क्या करूँ कैसे करूँ, ये आइडिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक टैटू को लेकर मैं इतना ज़्यादा श्योर था कि आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम केप टाउन, सो दिस इज केप टेबल माउंटेन एंड लाइन्स हेड, जो केप टाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर जगह है। सो यादगारी है, यादें ही है, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बॉम्बे में एडजस्ट होना, बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बॉम्बे में एडजस्ट करने में, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब और जिससे आप रुके हो वहाँ पर। सो या सारी फियर है यार, लोगों से मिलना फियर था बहुत बड़ा, अकेले रहना फियर था, यू नो ट्रैवल करना, ऊबर करना वहाँ पर अपने आप पे एक जगह से दूसरी जगह जाना फियर था, रोहित सर कैसे होंगे ये जानना फियर था। तो स्टंट के पहले के 50,000 फियर थे जो आपके अंदर चल रहे थे, स्टंट तो बहुत बाद में आया, यू नो कि कैसे होंगे, बहुत सारे रियलिटी वाले लोग हैं, उन लोग क्या कंडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे आपके साथ, ट्रीट कैसे करेंगे, मेरे को किसी से झगड़ा नहीं करना यार, मेरे को तो दोस्तों ने ये तक बोला था कि डीनो किसी पर हाथ मत उठाना, मतलब पागल है कि वो शो है कि पता नहीं क्या है। तो लोग होते हैं यार, अलग अलग लोग होते हैं, तो केयरफुल रहना, ये करना वो करना, लेकिन आई जस्ट मेट द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल इन द शो, लाइक एवरीबडी, किसी से मैं ज़्यादा करीब हुआ, किसी से मैं ज़्यादा करीब नहीं हुआ, मतलब लेकिन सबसे पॉजिटिव रहा। तो आई मीन फेवरेट स्टंट तो ऐसे क्योंकि परवरिश मेरी गांव में हुई है, तो मैं आई कैन स्विम, आई कैन बहुत पेड़ चढ़ाऊँ, बहुत मैंने पहाड़ चढ़े हैं, बहुत नहाया है नदियों में, तो मुझे ऐसा डर नहीं लगता था, लेकिन मेरा फेवरेट स्टंट चॉपर स्टंट था, जहाँ पर चॉपर में आप लटकते हो, बहुत डिफिकल्ट होता था, हालांकि चॉपर में नेट होते थे, नेट पर लटकते हो, इधर कूद रहे हो उधर कूद रहे हो, वो सबसे डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता था कि वो मेरे टाइप का स्टंट है, मेरे नेचर को बहुत सूट करता है। लेकिन एक स्टंट जो सबसे ज़्यादा सिंपल दिखता है और आपको एक शांति से एक जगह पर लेकर जाया जाता है और आपको आसपास में चॉपर की आवाज़ भी नहीं आती है और आप नीचे देखते हो तो आपको कुछ खाई समुंदर भी नहीं दिखता है, लेकिन वो स्टंट सबसे डेंजरस स्टंट था, वो था शॉक। तो शॉक इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट मोस्ट डेंजरस स्टंट एवर, मतलब उसमें लोग कैसे करते हैं लोग मुझे नहीं पता, मैंने 2 बार किया है और मेरी आवाज़ 2 दिन के लिए चली गई थी, मैंने इतना चिल्लाया था और अभी भी रिकवर नहीं हुई है मेरी आवाज़। तो मेरी जो आवाज़ में आप बेस ज़्यादा देख रहे हो इज़ बिकॉज ऑफ शॉक, लाइक एक्चुअल शॉक। बहुत बहुत इंजरीज हुई है, घुटने पूरे दोनों मेरे जा चुके हैं, अभी मैं मसाज ले रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ अपने दोनों नीज़ को, हाथ मेरे पूरे टूट गए थे तो ये दोनों अभी भी हील हो रहे हैं यहाँ पर हाथ, ये मेरा ये मिडिल फिंगर मेरा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी यहाँ पर वहाँ पर, सब ये सब चोटें लग गई थी मेरे को, तो बहुत स्वेलिंग थी, तो मैं 2 दिन तक इसको मैं उसको हील कर रहा था, अभी भी हील हुई नहीं है, बेंड नहीं हो रही अच्छे से। बाकी इंजरी वाला गेम में जिंदा वापस आ गए लोग तो बड़ी बात है, ये बहुत डेंजरस है ब्रो, ये इतना आसान नहीं है जो दिखता है टीवी पे। पता नहीं रूमर्स का तो मुझे नहीं पता, रूमर्स तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा कि मैंने कॉम्पिटिशन के लिए गेम बिल्कुल नहीं खेला। शिव कभी लगता है कि मैं ठीक है यार आपको टास्क कम्प्लीट करना है, बट जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ कम्प्लीटिंग अ स्टंट, कि क्योंकि स्टंट जो आप वहाँ पर आप देखते हो, वहाँ पर 10-12 लोग खड़े रहते हैं परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे कम से कम 150-200 लोग की सेना रहती है, खतरों के खिलाड़ी की और यू नो इंडियन ऑल ऑफ कलर्स की, जो बहुत बड़ी टीम है,
वहाँ पर मेकअप से लेकर स्टंट टीम से लेकर फिजियो से लेकर एम्बुलेंस से लेकर केटरिंग से लेकर सब कुछ होता है। तो जो कभी स्टंट कभी कभी 19 होता है, लोग उस स्टंट को उतनी खूबसूरती से कर नहीं पाते। तो रोहित सर ने एक बात बोली थी कि यार अपने पीछे पलट के देखो कितने सारे लोग सिर्फ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि आप स्टंट कर पाओ। तो आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए कि इट्स अ गेम बट दिस इतने लोग की मेहनत है। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पूरा दिन लगता है, उन लोग रेकी करते हैं पूरे एक कंट्री टू कंट्री जाते हैं फिर लॉक करते हैं। तो वो सब के बाद यू नो कि आपको ऐसा लगता है कि आप कर दो। मैं कॉम्पिटिशन था ही नहीं ना मेरे हिसाब से, उनको लगता है तो उनका प्यार है, मतलब पता नहीं उन लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, लेकिन मेरे को कभी कॉम्पिटिशन लगा। अभी मैं शिव से कम्पीट कैसे कर सकता हूँ? अभी शिव और मैं कम्पीट कर रहे हैं तो मेरे को था कि भाई तू जीत जा मैं जीत जा, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अरिजीत और मैंने किया, अरिजीत ने मुझे हराया है, मतलब बहुत बड़े मार्जिन से हराया है, तो मुझे कभी हार नहीं लगी क्योंकि मैं उनको कॉम्पिटिशन समान नहीं देखता था। मेरे दोस्त यार थे और हम लोग एक गेम खेल रहे हैं और हम लोग साथ में, वो कट होता था कैमरा तो हम लोग हक करते थे, हम लोग भाई तो लगी तो नहीं, तो देखो तो नहीं लगी, मतलब भाई सब बढ़िया है। वैनिटी में जाते थे हम लोग, अपना सिगरेट विगरेट पीते थे, जो भी करते थे और अपना टाइम पास करते थे। तो ऐसा कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग नहीं है, फीलिंग ये थी कि यार ये स्टंट है और रोहित सर ने गो बोला है और मुझे वो कंप्लीट करना है। मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं अभी क्वार्टर स्टंट किया, मेरी बॉडी हील नहीं हुई है, मैं 3-4 घंटे सोया हूँ। तो वो सब चलता था, तो वो अपने आप से फाइट इतनी ज़्यादा चीज़ों से लड़ रहे हो कि आपको इसको हराने वाला थॉट आता ही नहीं था, क्यों हराना है यार, मेरा भाई हो या फिर यू नो शी इज़ माई फ्रेंड एंड वी आम जस्ट, हम खाना खा रहे हैं साथ में, सो रहे हैं साथ में, लोग कपड़े चेंज कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतना टाइट रिलेशनशिप हो गया है, तो उसमें हार जीत कहाँ से। सीखा यार, 36 फिल्में करी, उसके बाद होस्ट बने और बहुत हम्बल आदमी है, बहुत फनी है, बहुत अच्छे प्रेजेंटर है, स्ट्रिक्ट है, मेंटोर है, दोस्त हैं, एकदम से डांट देते हैं किसी को, फिर बोलते सर सॉरी, बोलते रात गई बात गई है, छोड़ना कुछ नया कर फोकस कर। तो वो एक बहुत एकदम दोस्ती लेवल पर आकर आपको नीचे उतर के कि दी रोहित शेट्टी के लेवल से नीचे आकर आपसे आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाकर वो यू नो वो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर, एक थ्रेड है शो का रोहित शेट्टी, क्योंकि जब आप फंस जाते हो तो हम लोग तो मोटिवेट करते हैं कर ले यार अरिजीत, या फिर मेरे को भी कोई मोटिवेट करता है, लेकिन जब रोहित सर बोलते हैं कि डिनो कर यार, जैसे कि मैं एक स्टंट था जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट मैंने गिव अप कर दिया था क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था, शॉक स्टंट ही था, आप लोग देखो कि मेरी जिससे वॉइस गई, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे था क्योंकि अगर वो शायद मैं नहीं करता तो मैं शायद शो में ही नहीं रहता। तो मेरा हो गया था, मैंने बोला सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो सर ने तो जिस तरीके से बोलते ना, इस लाइक अ मेंटोर टॉकिंग टू यू, तो बोलते हैं कि डिनो कर, शॉक लगेगा तेरे को, तू पकड़ उसको, तू एक बार पकड़ शॉक ले ले। तो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल।